पॉल कहता है कि मुझे चैलेंजेस पसंद हैं। नाय उसे देखती है। पैट आकर नाय को काम चेक करने के लिए अपने साथ ले जाती है। पॉल उसे देखकर स्माइल करता है। थोड़ी देर बाद पॉल किसी काम से बाहर जाता है। नाय भी क्लाइंट के लिए कुछ डायमंड लेने बाहर जाती है। दूसरी कंपनी के स्टॉल पर स्टाफ एक लेडी को डिजाइन सेल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उस लेडी का वे फेवरेट ब्रांड है, पर इस बार के डिजाइन उसे पसंद नहीं आते। पॉल आकर कहता है कि इस बार तुमने प्रोडक्ट की क्वालिटी घटा दी है, इसीलिए ऐसा हो रहा है, और चला जाता है। वह लेडी आकर उसे थैंक यू बोलती है और कहती है कि मैं दूसरी कंट्री से बस इस इवेंट के लिए आई थी, पर ये ट्रिप वेस्ट हो गई। पॉल कहता है कि मैं दूसरा ब्रांड का नाम आपको बता सकता हूँ जो अपनी क्वालिटी मेंटेन करके चलते हैं। वे पूछती है कि तुम किस ब्रांड के लिए काम करते हो। पॉल कहता है कि मैं यहाँ कॉम्पिटिशन करने नहीं आया, बस आपको बताना चाहता था जो आपको चाहिए। पैसे खर्च करने ही है तो अच्छी चीज पर होने चाहिए, और स्माइल करके चला जाता है। वह लेडी उसे देखती है। नाय सामान लेकर वापस आती रहती है। पार्किंग में एक चोर उस लेडी का पर्स लेकर भाग जाता है। पॉल उसके पीछे भागता है। नाय भी उस लेडी के साथ उनके पीछे जाती है। अब दिखाते हैं थोड़ा फाइटिंग सीन। चोर उसे नाइफ से हिट करने वाला होता है। नाय आकर उसे रोकती है। वे उसे भी पुश कर देता है और उसे मारने जाता है, पर पॉल बीच में आ जाता है और नाइफ को वहां से जाने के लिए कहता है। थोड़ी सी फाइटिंग के बाद वह पॉल को हिट कर देता है। उसके बाद पॉल की बारी। चोर बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद वहां पुलिस को दिखाते हैं। पॉल अपने चोर देखता है और नाय उसे। वह आकर उसे हॉस्पिटल जाने के लिए कहती है। पॉल स्माइल करके कहता है कि छोटी सी चोट है, अपने आप ठीक हो जाएगी। नाय उसे अपना हैंकी बांधने के लिए देती है। पॉल मना करके कहता है कि तुम्हारा एक्सपेंसिव हैंकी खराब हो जाएगा। नाय खुद ही अपना हैंकी रोल करके उसके हाथ पर बांध देती है और कहती है कि अच्छा हुआ उसके पास बस नाइफ था, अगर गन होती तो। पॉल कहता है कि मैं तब भी ना रुकता, मैं जिस लेडी से सबसे ज्यादा प्यार करता था उसे खो चुका हूँ, दूसरों के साथ ये सब होते हुए नहीं देखना चाहता। नाय उसे देखती है। ऑफिसर आकर उन्हें पुलिस स्टेशन चलकर स्टेटमेंट देने के लिए कहता है। पैट उसे कॉल करती है। नाय कहती है कि उस बारे में मैं भूल गई और अब देर हो चुकी है। पॉल उसे देखता है। नेक्स्ट डे सिंकॉर्न नाय पर गुस्सा करता है कि कल स्टेज पर कोई क्यों नहीं गया। पॉल कह देता है कि मेरी गलती है। सिंकॉर्न उसको डांट कर कहता है कि तुमने कंपनी की रेपुटेशन खराब की है, और नाय से कहता है कि मुझे इसे जॉब से निकालना है। नाय कहती है कि इसमें इसकी गलती नहीं है। सिंकॉर्न कहता है कि इसे निकालने में तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए। वैसे भी मुझे बोर्ड मेंबर्स को जवाब देना है, मैं तो इसे निकाल कर रहूंगा। मिस्टर परामी आकर कहते हैं कि किसी को निकालने की जरूरत नहीं है। वह लेडी भी वहां आती है। मिस्टर परामी बताते हैं कि जिसे कल पॉल और नाय ने बचाया वह मिस अस्मा है, दूसरी कंट्री के प्रिंस की फियांसे। सब शॉक हो जाते हैं। अस्मा बताती है कि मैं थाईलैंड आती जाती रहती हूं, पर ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ है, और दोनों को उसे बचाने के लिए थैंक यू बोलती है। अस्मा कहती है कि मुझे अभी अभी इस कंपनी क्राउन डायमंड के बारे में पता चला है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि कल नाय ने उस लेडी को अपना कार्ड देकर कहा था कि अगर कुछ हेल्प चाहिए तो मुझे बता देना। बॉडीगार्ड बताता है कि प्रिंस को भी इस केस के बारे में पता चल चुका है। वे आप लोगों को रिपे करने के लिए अपनी वेडिंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्राउन डायमंड की ज्वेलरी शो करेंगे। अस्मा कहती है कि मिस्टर पॉल को पता है कि मुझे कैसी ज्वेलरी पसंद है। पॉल हाँ कर देता है। सिंकॉर्न उसे देखता है। अस्मा के जाने के बाद मीटिंग में सिंकॉर्न कहता है कि इतना बड़ा इवेंट किसी प्रोफेशनल को हैंडल करना चाहिए, फ्रेशर को नहीं। हमारी रेपुटेशन का सवाल है, पिछली बार की तरह गलती नहीं होनी चाहिए। मिस्टर परामी कहते हैं कि तुम सही कह रहे हो, नैना और पॉल इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। पॉल सिंकॉर्न को देखता है। सिंकॉर्न कहता है कि आप इनसे इवेंट ऑर्गेनाइज कराना चाहते हैं। वे कहते हैं कि ये प्रोजेक्ट हमें इन दोनों की वजह से ही मिला है, तो यही करेंगे।
और नेट से भी पूछते हैं। पॉल को देखकर नेट भी हाँ कर देती है और मीटिंग के बाद बाहर आ जाती है। सिंकॉर्न उसे रोक लेता है और पॉल का साथ देने पर डांटता है। नेट कहती है कि ये मिस्टर परामी का डिसीजन है, मेरा नहीं, और वहाँ से जाती है। सिंकॉर्न फिर से कहता है कि मुझे तुम्हारे उस बच्चे के बारे में सब पता है, तुम उसे मेरी जगह दिलाने की कोशिश कर रही हो। नेट कहती है कि अगर ऐसे ही करते रहे तो तुम्हारा साथ देना बंद कर दूंगी। सिंकॉर्न उसे सॉरी बोल देता है और कहता है कि पॉल के आने के बाद तुम मुझ पर ध्यान नहीं दे रही हो। नेट कहती है कि तुम्हें पता है तुम मेरे लिए पॉल से भी ज्यादा हो। सिंकॉर्न कहता है कि मैं ये सब हमारे लिए ही कर रहा हूँ। नेट कहती है कि इन बाप बेटी को हैंडल कर लो, उसके बाद साथ ही रहेंगे। सिंकॉर्न कहता है कि मैं जल्दी ही परामी की जगह ले लूंगा। पॉल उन्हें साथ में देख लेता है। घर जाते हुए नेट पॉल से कल मिलने के लिए कहती है, वह हाँ कर देता है। नाय ऑफिस में होती है। पॉल आकर कहता है कि डिजाइन चूज करके मुझे बता दो। नाय से फाइल ओपन नहीं होती। पॉल जाकर चेक करता है। दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं, तभी नाय के पास डैन का कॉल आ जाता है। वह कहती है कि मुझे काम है, आज नहीं मिल सकती। फोन रखने के बाद पॉल कहता है कि मेरा काम हो गया है और वहां से चला जाता है और जाते हुए पूछता है कि क्या तुम घर नहीं जा रही हो। नाय कहती है कि मुझे कुछ काम है। पॉल चला जाता है। रास्ते में वॉचमैन उससे पूछता है कि तुम्हारे पास अम्ब्रेला है, तुम्हें कैसे पता चला कि बारिश होगी। पॉल कहता है कि मैंने मॉर्निंग में वेदर रिपोर्ट चेक की थी। वॉचमैन कहता है कि अगर किसी के पास अम्ब्रेला ना हुआ तो वह भीग जाएगा। थोड़ी देर बाद नाय घर जाती है पर बारिश होते हुए देखकर रुक जाती है। वहां पर उसे अम्ब्रेला दिखता है जिस पर लिखा होता है मिस नाय। नाय कहती है कि मेरे लिए किसने रखा। पॉल बारिश में भीगता हुआ कशेन के पास आता है। कशेन कहता है कि सुबह तो तुम अम्ब्रेला लेकर गए थे। पॉल कह देता है कि ऑफिस में भूल गया। कशेन नाय के बारे में पूछता है। पॉल कहता है कि क्या तुम उसे लाइक करते हो। वह मना कर देता है। पॉल स्माइल कर देता है और किसी को देखकर वहां से भाग जाता है। पैट वहां आ जाती है और कहती है कि शायद मैंने अभी पॉल को देखा। कशेन कहता है कि मैं अकेला आया हूं। वो क्यों आएगा, उसे तो मैं जानता भी नहीं। तभी वेटर दो लोगों के लिए खाना लेकर आता है। कशेन कहता है कि दोनों मेरे लिए ही हैं। बाकी स्टाफ भी वहां आ जाता है। कोई भी टेबल खाली नहीं होती तो कशेन उन्हें साथ में बैठने के लिए कह देता है। सब कहते हैं कि तुम हमें ट्रीट दे रहे हो, तुम कितने अच्छे हो। टॉय कहती है कि मिस नाय तो पॉल के साथ अभी तक ऑफिस में है। कशेन कहता है कि पॉल चला गया होगा। विद कहता है कि तुम्हें कैसे पता। कशेन कह देता है कि इतने देर तक कौन काम करता है, वह भी हमारी तरह डिनर कर रहा होगा। एक कहता है कि वो तो मिस नाइट के साथ होगा। कशेन पूछता है कि उन दोनों के बीच क्या चल रहा है। वे उसे बताते हैं कि मिस नाइट की वजह से ही उसे कंपनी में जॉब मिली है। पैट उसे देखती है। कशेन टेंशन में लगता है। नेक्स्ट डे टॉय पॉल से बड़े प्यार से कहती है कि तुम्हारी रिपोर्ट में एक गलती है। दोनों कहते हैं कि हमसे तो कभी इतना स्वीटली बात नहीं की। टॉय अपने सैंडल से उन्हें हिट कर देती है। पॉल अपनी गलती देखता है। तभी नाय वहां आ जाती है। पॉल उसे बताता है कि रिपोर्ट्स मैच नहीं हो रही हैं। हमें मिस्टर सिंकॉर्न से बात करनी पड़ेगी। नाय कहती है कि मैं खुद उनसे बात कर लूंगी, तुम इस बारे में किसी को नहीं बताओगे। नाय सिंकॉर्न से रिपोर्ट्स रीचेक करने के लिए कहती है। सिंकॉर्न पूछता है कि क्या तुम्हें लग रहा है कि मैं कंपनी को धोखा दे रहा हूँ। नाय मना कर देती है और वहां से चली जाती है। सिंकॉर्न अपने स्टाफ से कहता है कि ये डॉक्यूमेंट्स हैंडल करो, ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। पॉल के साथ वाले कहीं जाते हैं। पॉल वहीं रुक जाता है और उसका आईडी कार्ड नीचे गिर जाता है। सिंकॉर्न उस पर पैर रख देता है और उसे हिट करके पॉल से कहता है कि अगर दोबारा मेरे काम में टांग अड़ाई तो आईडी कार्ड की जगह तुम होंगे। दोनों के वापस आने पर सिंकॉर्न उसे पुश करके चला जाता है। वे दोनों आकर पूछते हैं कि क्या हुआ। पॉल कुछ नहीं बोलता। मिस्टर परामी मीटिंग लेते रहते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस के लिए सिंकॉर्न कहता है कि हम हांगकांग की कंपनी से कॉन्टेक्ट करेंगे और यह काम मैं करना चाहता हूँ। पॉल स्माइल करता है। मिस्टर परामी उसे ये प्रोजेक्ट हैंडल करने के लिए दे देते हैं। पॉल स्माइल करते हुए जाता है और सबके सामने जानबूझकर सेक्रेटरी से कहता है कि जिस डॉक्यूमेंट में गलती थी क्या आपने वो चेक कर लिया, मुझे आगे काम के लिए वे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सिंकॉर्न कहता है कि यहाँ मीटिंग चल रही है, बाहर जाकर बात करो। वह सॉरी बोलकर बाहर जाता है। मिस्टर परामी उसे रोककर पूछते हैं कि किस डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हो। पॉल उन्हें सब बता देता है और कहता है कि इस गलती की वजह से कंपनी को मिलियंस में नुकसान हो सकता है, इसीलिए मैंने रीचेक करने के लिए दिया था। मिस्टर परामी सिंकॉर्न से कहते हैं कि इस बारे में मुझे क्यों नहीं बताया। वे कहता है कि चेकिंग चल रही है। मिस्टर परामी इंटरनेशनल बिजनेस भी सिंकॉर्न की जगह नाय को हैंडल करने के लिए कहते हैं। वे हाँ कर देती है। मिस्टर परामी सिंकॉर्न को अपने ऑफिस में आने के लिए कहते हैं। सिंकॉर्न पॉल को देखता है। पॉल स्माइल करके चला जाता है।
रात को पॉल घर जाता रहता है। सिंगॉर्न उसके पास आता है और कुछ लोगों को बुलाता है। वे लोग पॉल को हिट करते रहते हैं। सिंगॉर्न ये सब देखता रहता है। वे उसे इतना मारते हैं कि वो बेहोश हो जाता है। सिंगॉर्न उसे होश में लाता है और कहते हैं कि कल कंपनी से रिजाइन दे देना और चला जाता है। रास्ते में नाय पॉल को देखती है और डैन से कार रुकवा कर उसे चेक करने जाती है। डैन उसे जाने से मना कर देता है। पॉल घर आ जाता है। कशिन उसे देखकर पूछता है कि ये सब कैसे हुआ। पॉल बता देता है कि ये सिंगॉर्न का काम है। कशिन कहता है कि इस कंपनी के लोग डेंजरस हैं, जॉब छोड़ दो। पॉल उसे देखता है और चला जाता है। कशिन कहता है कि तुम्हें ये सब करके क्या मिलेगा। पॉल को गुस्सा आ जाता है। नेक्स्ट डे सिंगॉर्न नाय से इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में बात करने के लिए आता है। नाय कहती है कि अभी मैंने चेक नहीं किया है, पॉल अपना काम कर रहा है। सिंगॉर्न कहता है कि पॉल आज नहीं आएगा। नाय उन्हें देखती है, तभी पॉल आ जाता है और लेट आने के लिए सॉरी बोलता है। सब पूछते हैं कि तुम किसके साथ फाइट करके आए हो। पॉल नाय से कहता है कि हांगकांग वाला प्रोजेक्ट मैं हैंडल करना चाहता हूँ। सिंगॉर्न उसे देखता है और कहता है कि तुम्हारे जैसे लोग इतना बड़ा प्रोजेक्ट हैंडल नहीं कर सकते। पॉल उसके पास आकर कहता है कि मैं इतनी जल्दी गिव अप करने वालों में से नहीं हूँ। जो मुझे जितना चैलेंज करता है, मुझे उस काम को करने में उतना ही मजा आता है।